गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अभी अल्माटी में। अभी बजा सुबह का 8 और इंडिया में 8:30 बजा होगा, तो आधा घंटा का डिफरेंस है यहां पे। और मैं यहां से निकल रहा हूं ताशकंद उज्बेकिस्तान। यहां से 850 किलोमीटर के आसपास है, पर थोड़ा टफ है क्योंकि 500 किलोमीटर करीब बिल्कुल पेट्रोल पम्प नहीं है। मैं एक बार मैं पेट्रोल फिलअप करूँगा, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या हो रहा है रास्ते में। अभी थोड़ा रिस्क है आज क्योंकि पूरा रोड रेगिस्तान है, खाली रोड है एकदम। 500 किलोमीटर पेट्रोल पंप नहीं है। मुझे आज सुबह पता चला, मेरे को एक अर्जेंटीना का फ्रेंड ने मेरे को बताया कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि तुम किर्गिस्तान होके निकलो। मेरा तो किर्गिस्तान का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बोला तो फिर रसिया आ जाओ। मैं बोला रसिया अभी जाऊँगा तो फिर लेट हो जाएगा, फिर मुझे 10 दिन लगेगा। अभी यहाँ से जाऊँगा अस्ताना से फिर रशिया, फिर रशिया से वापस कजाकिस्तान, फिर कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान, तो फिर 8-10 दिन लग जाएगा मेरे को। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि उज्बेकिस्तान होकर निकलूँ, देखता हूँ आगे क्या हो रहा है। अगर होगा तो कुछ पेट्रोल साथ में कैरी करूँगा इमरजेंसी में, देखता हूँ क्या हो रहा है। कल को मैंने अपना वो वॉशिंग वगैरह सब करा लिया बाइक का, बाइक पूरा धुल के रेडी हो गया एकदम। और मैंने अपना जैकेट राइडिंग पैंट सब धुला लिया, सब रेडी है, साफ है पूरा बिल्कुल। अभी निकलने वाला हूँ। और ये होटल पे, सलीम होटल पे मैंने रुका था। होटल कम हॉस्टल है, बहुत एक्सपेंसिव है। 3,000 का रूम है, छोटा सा, 6 फीट में 6 फीट 8 फीट में 6 फीट, उसी में ही ख़त्म हो गया। ये हाईवे है, मेन रोड, हाईवे नहीं है, सिटी के अंदर है, मेन रोड है। अभी निकलने वाला हूँ, फिर आगे का अपडेट आपको देता रहता हूँ। ओके, हो गया सारा रेडी। अभी मेरे को निकलना है यहाँ से। हर हर महादेव। आठ सौ 16 किलोमीटर है, 10 घंटा बता रहा, 10-11 घंटा, 10 घंटा 16 मिनट। देखते हैं क्या होता है। या जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। बाय बाय अल्माटी, जा रहे अभी ताशकंद। बड़ा अच्छा सिटी है, ग्रीनरी है पूरा एकदम साइड में, मतलब सिटी से 2-3 किलोमीटर में पहाड़ है और उसके ऊपर पूरा स्नो भरा हुआ है। मतलब पहाड़ के ऊपर ही सिटी है, बहुत डेवलप है, एक्सपेंसिव है। छोटा सा रूम लिया था मैंने 6x8 का, वो भी 3,000 का है। ज्यादा मैंने अल्माटी घूम नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। कल सुबह मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर वो ब्रेकफास्ट वगैरह बाहर जाके करके खत्म करके फिर रेड हो गया था सिग्नल, मैंने निकल लिया। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह खत्म करके फिर आधा एक घंटा रेस्ट किया, फिर नहाया धोया, शेविंग हुआ,
कब मैंने अपना वो जैकेट साफ करने दिया था, सब साफ हो गया, जैकेट पेंट पूरा धुला लिया, फिर गया थोड़ा टाइम बाद नहा धो के, 4-5 दिन बाद नहा आया, क्योंकि इतनी ठंड होता है भाई, नहाना मुश्किल हो रहा है भाई, और नहाऊंगा तो फिर सर्दी पकड़ लिया था बीच में मैंने, इसलिए नहाया नहीं। तो फिर नहा धो के मैंने BMW शोरूम में गया, तो वहाँ का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, बाहर के कोई एक वहाँ के पास में छोटा सा नहीं, अच्छा सा गैरेज था, वहाँ पे मैंने थोड़ा चेकअप करा लिया बाइक का, कूलेंट डाल दिया, और ये टैंक का कैप नहीं खुल रहा था उसको थोड़ा करा लिया, फिर आके रेस्ट किया रूम में रात को। अभी सुबह निकल रहा हूँ ताशकंद, उज्बेकिस्तान। आज तो उज्बेकिस्तान एंट्री नहीं हो पाएगा, पर आज के पास जाके कोई रुकना पड़ेगा मेरे को वहां पे तराज के पास। फिर कल सुबह एंट्री करूंगा उज्बेकिस्तान। बर्फ पूरा भरा हुआ, इधर भी देखिए, मस्त एकदम। ऐसा हो कि बालेश्वर में मैं सुबह उठूं और मेरे घर के 500 मीटर में पहाड़ हो और उसमें बर्फ पड़ा हो, कैसा फील होता होगा? मस्त एकदम। सब यहाँ गोरे हैं, सब गोरे, ये मुस्लिम कंट्री है, सब वाइट वाइट वाइट, कोई साला काला नहीं है मेरे जैसा। पहुंच गया मैं उज्बेकिस्तान बॉर्डर, सुबह 8 बजे निकला था, अभी कितना बजा, अभी 6 बजा, 6 बजा मतलब यहाँ का 5:30 बजा है, 8 बजे से 5:30 पहुंच गया, 850-850 किलोमीटर राइड करके आज लगा कि मैंने राइड किया है कुछ। कल सुबह 8 बजे निकला था, अभी 7 बज रहा है, मतलब 8 बजे तक हम होटल पहुंचेंगे, मतलब 24 घंटा लगा मेरे को वहाँ से अलमाटी से यहाँ का बॉर्डर पहुंचने में और बॉर्डर क्रॉस करने में मेरे को 24 घंटा लगा, और ये हम यहाँ पे इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपेक्स इंश्योरेंस कंपनी, उज्बेकिस्तान का इंश्योरेंस। मेरा करना क्या, कल सुबह 8 बजे अलमाटी से निकला था होटल से,
850 किलोमीटर राइड था। 850 किलोमीटर राइड करके मैंने 5:30 बजे पहुंचा ताशकंद बॉर्डर पे। तो रास्ता भी बहुत सुंदर था। मेरे को अभी बोलने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। कल सुबह 8 बजे से अभी हो गया 10 बज गया, मतलब 26 घंटा का कोई रेस्ट नहीं है मेरे को। सुबह 8 बजे निकला, 5:30 बजे पहुंचा 850 किलोमीटर राइड करके ताशकंद बॉर्डर। रास्ता बहुत अच्छा था, पूरा एकदम पहाड़ के ऊपर वैली के अंदर था। पूरा दोनों साइड में छोटा छोटा पहाड़, ग्रीनरी भरती, पूरा एकदम सीनिक ब्यूटी था। इसलिए इतना मेरे को प्रॉब्लम हुआ नहीं और मैं आके पहुंच गया ताशकंद बॉर्डर। बीच में मेरे को कुछ कजाकिस्तान का राइडर्स मिले, जहाँ पे मैंने पेट्रोल पंप पे रुका पेट्रोल डालने के लिए, तो वो लोग भी वहीं पे आए और पेट्रोल डाले, मेरा भी पेट्रोल डाल दिए। कुछ है वही इंडियन, कम से कम वही 1200-1400 रुपये का होगा, तो वो डाल दिया। वो डाल रहे थे तो मेरे को बोले लगाओ, वहाँ पे मैंने लगा दिया, उसने भी डाल दिया। बोला नहीं, मैं पैसा देने गया तो बोला नहीं, ये कजाकिस्तान से तुम्हारे लिए बोनस है। बोले चलो ठीक है, डाल दिया, डाल दिया। और क्या, प्यार से डाल दिया टोकन क्लब, एक बाइकर बाइकर के लिए तो इतना ही करता है। और ये लोग किए, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। चलो ठीक है, वो तो गया। मैं जब बॉर्डर पहुंचा, मैं पहले बॉर्डर पहुंच गया, फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद वो लोग आके पहुंचे बॉर्डर। जस्ट पहुंचे, मैं खड़ा था तो मेरे को बुलाया कि तुम अंदर चलो। मैं अंदर चला गया, क्योंकि वो लंबा लाइन था, शायद 4 से 5 घंटा लगता वो एंट्री करके। जब मेरा सीरियल आता तो 5 घंटा करीब करीब लगता। तो मेरे को अंदर लगे और वो वहाँ पे जो अंदर का ऑफिसर था उसको बोल दिया कि नहीं, इसको, ये हमारा राइडर है, इसको छोड़ दो, जल्दी छोड़ छोड़ दो। तो उसने क्या किया, मेरे को लाइन पे वहाँ पे इमिग्रेशन पे भी लगने नहीं दिया, मेरे को लेकर के साइड में से बोला इसका इमिग्रेशन कराओ और धब्बा मारो छोड़ो इसको। तो हो गया, सारा कर दिया। मेरे को बोला कि जाओ। जब जाने वाला था तब मेरे को याद आया मैंने तो कार्नेट में स्टाम्प लगाया नहीं। मैं बोला कि मेरा कार्नेट में स्टाम्प करो, मेरे को क्लियरेंस चाहिए, मेरा बाइक ये क्या है। वो लोग लोकल तो कुछ लैंग्वेज समझते नहीं है, इंग्लिश भी बोलते नहीं है, मतलब मेरा लैंग्वेज समझते नहीं है, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, और इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं, यस नो ओके इतना भी नहीं बोलते हैं। तो फिर बहुत टाइम लगा मेरे को ये ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेटर लगा के इधर उधर, ये वो, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ लैंग्वेज इधर उधर हो रहा है। उसके बाद बहुत मशक्कत के बाद मैंने कस्टम ऑफिस में जाके पहुंच के स्टार्ट किया उनको बोलना समझाना। वो लोग मना कर दिए कि नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है। कम से कम 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटा में इधर उधर इधर उधर आगे पीछे ये वो बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, कोई कुछ नहीं समझता। लास्ट में वो लोग बोल दिया कि यहाँ पे नहीं हो सकता स्टाम्प, तुम यहाँ पे स्टाम्प नहीं हो सकता, दूसरा बॉर्डर पे जाओ। तो मैंने तब बोला कि ये तो मेरे को छोड़ेगी नहीं, मैं बोला बिना स्टाम्प का ही निकल जाऊंगा। तब मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे स्टाम्प चाहिए नहीं, मेरे को छोड़ दो, मैं अभी उज्बेकिस्तान जाऊंगा। तब मेरे को मना कर दिया कि तुम अभी इस बॉर्डर पे नहीं जा सकता। मैंने बोला क्यों, मेरे पास सारा पेपर है। बोले कि नहीं, तुम्हारे पास सारा पेपर नहीं है, तुम्हारे पास ये कमी है इसमें। उनको पता चला कि यहाँ पे जो स्टाम्प लगना चाहिए इनके पास स्टाम्प नहीं है, कस्टम स्टाम्प वहां पे नहीं है, कस्टम वाले वहां पे नहीं है। और कस्टम वाला है जो एक दो, वो लोकल्स के लिए है, वो पता नहीं किस लिए है। वो कस्टमर कोई तो कुछ बोलता नहीं, इंग्लिश तो बोलता नहीं, और जो बोलता है मेरे को समझ में नहीं आता है, इधर उधर का बात बोलता है, गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है पुलिस वहाँ पे, बॉर्डर सिक्योरिटी और वहाँ पे जो जितने भी हैं कस्टम ऑफिसर बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। वो लास्ट में मेरे को 9:30 बजे, 9:30 से 10 के अंदर वहां से मेरा पासपोर्ट पे एग्जिट का स्टाम्प लग गया था इमिग्रेशन में, फिर भी मेरे को वहां से निकाल दिया, बोला कि तुम जाओ। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को तो अभी स्टाम्प लगा के दो, नहीं तो मेरे को यहाँ से छोड़ो, क्योंकि मेरा यहीं पर स्टाम्प लगा हुआ है एग्जिट का, इसी बॉर्डर पे, मैं दूसरे बॉर्डर से कैसे जाऊं। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ से अभी जाओ, दूसरा बॉर्डर जाओ। तो ताशकंद बॉर्डर से मेरे को बोला कि यलमा बॉर्डर, जो कि ताशकंद बॉर्डर से यलमा बॉर्डर 90-95 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट है। तो रात को 10-10:30 बजे मैंने बॉर्डर से निकला, ताशकंद से बॉर्डर से,
ताशकंद बॉर्डर से निकला, पहुंचा वहां पे येलामा, येलामा पहुंचा मेरे को 12:10 या 15 हुआ, क्योंकि रात का टाइम था और सिंगल रोड था, सिंगल रोड था, तो करीब करीब 2 लगा, 10:30 से 12:30 मैंने एंट्री किया बॉर्डर पे। एंट्री करने के बाद 12:30 से वो लोगों का चालू हुआ ये वो, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, और कार्नेट क्या है उनको नहीं मालूम है, वो कुछ नहीं जानते हैं, कस्टम क्या है क्या नहीं है, कुछ कुछ बोलने से समझते नहीं है तो क्या जानेंगे, और कार्नेट का उनको कुछ पता नहीं है। तो 12:30 से हम लोग इधर उधर इनको समझाते, फिर 2-3 चला गया। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस पे, इमिग्रेशन होके कस्टम क्लियरेंस पे वो लोग आए, चेकिंग किए गाड़ी, मेरा बाइक चेकिंग किया, लगेज चेकिंग करने के बाद मेरे लगेज से ड्रोन निकला, तो ड्रोन मेरे को 4 इंडिया एग्जिट हो गया, नेपाल एग्जिट हो गया, चाइना एग्जिट हो गया, कजाकिस्तान एग्जिट हो गया, उज्बेकिस्तान वाला मेरे को ड्रोन वाला पकड़ा। तो फिर मैंने कजाकिस्तान का बॉर्डर एग्जिट करने के लिए वहाँ पे प्रोसेसिंग चालू किया। फिर बॉर्डर एग्जिट करने के जब बारी आई, तब मेरा पासपोर्ट देख के उसने बोला, ये दूसरा ताशकंद का एग्जिट है, तुम यहाँ फिर क्या एग्जिट होगा। तो मैंने उसको फिर समझाने का कोशिश किया कि हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ पे स्टाम्प करने को कोशिश किए, वहाँ पे कस्टम का स्टाम्प नहीं है, कस्टम ऑफिस नहीं है, वो लोग मना कर दिए, मेरा एग्जिट का स्टाम्प वहाँ पे लगा दिया था पासपोर्ट में। फिर जब कस्टम का मैंने पूछा, वहाँ पे नहीं था, तब जाके वो लोग फिर मेरे को यहाँ पर भेजा। फिर उसने क्या किया, जो बॉर्डर कंट्रोल है, इमिग्रेशन ऑफिसर, वो फिर 4-5 जगह फोन किया, इसको उसको इसको उसको, 1 उसको लगा समझने में और मेरे को उसको समझाने में। फिर 1 के बाद फिर उसने मेरे को एग्जिट करने दिया। वहां से मैंने एग्जिट हो गया, कस्टम वहां से स्टाम्प करके एग्जिट करवा दिया। फिर एग्जिट करने के बाद बारी आया उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान में हम लोग एंटर किए। करीब करीब वहाँ पे टाइम मेरे को इतना याद नहीं है। एंटर करने के बाद वो लोग धीरे धीरे प्रोसेसिंग चालू करते 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 सब हो गया, कस्टम क्लियरेंस में आए, तो फिर मेरा बैग लगेज चेक हुआ, तो उसमें से मेरा ड्रोन था, तो ड्रोन मेरा निकाला, ड्रोन निकाल के बोला कि ये तुम नहीं ले जा सकते, ये इलीगल है, ये वो ड्रग्स, वो ये ड्रग्स के लिए यूज करते हैं उज्बेकिस्तान में, इसलिए इसको बैन किया गया है, तुम इसको फ्लाई नहीं कर सकते। मैं बोला, मैं फ्लाई जब से लाया हूँ तब से नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं है, मैं इसको खड़ा होके कहीं ड्रोन उड़ाऊ, शॉट बनाऊ, ये सब नहीं हो सकता है मेरे से, मैं नहीं करता हूँ इसको। तो फिर जितने भी समझाने से वो समझा नहीं, फिर उसका दूसरा ऑफिसर को बुलाया, वो ऑफिसर आया, फिर वो चेक किया, बोला क्यों लाया, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों ड्रोन क्यों लेके आया। मैं बोला मैं टूरिस्ट हूँ, फोटो खींचता हूँ, बाइक चलाता हूँ, फोटो खींचता हूँ, पोस्ट वोस्ट करता हूँ, इसमें मेरे को, मैंने ड्रोन लिया पर उड़ाया नहीं है अभी तक। बोला मेमोरी कार्ड कितना है, मैं बोला एक ही है। बोला निकाल के दो, नहीं पहले बोला यहाँ ड्रोन उड़ा, मैं उसको सब लगा के सेटिंग करके दिखा के उड़ाया ड्रोन, बोला ठीक है बंद करो, फिर बंद किया, फिर बंद करने के बाद बोला मेमोरी कार्ड कितना है, मैं बोला एक ही है, बोला मेमोरी कार्ड निकालो, फिर मेमोरी कार्ड निकाला, मेमोरी कार्ड लेके गया, वो मेमोरी कार्ड इंस्पेक्शन, वो उसका चेक करने के लिए क्या क्या वीडियो, बोला इसमें क्या है, मैं बोला मेरा फैमिली का वीडियो है, मेरा अपना घर का वीडियो है, अपना इंडिया का वीडियो है, यहाँ कुछ नहीं है। तो फिर वो गया, 3-4 उसको लगा उसको वो कन्फर्म होने में, तब तक वही 3 हम इधर उधर ऐसे ही घूमते फिरते, वहीं पे बैठते सोते, ऐसे ही खड़ा होके, बॉर्डर पे बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मेरा चला गया पूरा, मतलब 4 के बाद उसने आके मेरे को बोला कि मैंने ये सब, मतलब वो उसका ऑफिसर से बात किया होगा, फिर ऊपर जो कोई होगा आके बोला तो इसको तुम नहीं ले जा सकते। मैं बोला क्या कर सकता हूँ, बोलिए अभी आप जो बोलेंगे वही करेंगे ना, तुम एक काम कर सकता है, तुम अभी रिटर्न जाओ इंडिया। मैं बोला इंडिया क्या, यहीं पर है इंडिया, जाओ रिटर्न ड्रोन लेके।
बोला तुम्हारा देश चला जाओ। बोला कैसे होगा ये? तो बोला तो इसको नहीं ले जा सकता। मैं बोला तो फिर क्या करना पड़ेगा बोलो। बोला तुम एक काम करो, तुम एक डिक्लेरेशन दो, एक डिक्लेरेशन मेरा इस बॉर्डर पर रहेगा, एक डिक्लेरेशन तुम लेके लास्ट बॉर्डर बोकारा बॉर्डर पर देगा, ड्रोन तुम फ्लाई नहीं करेगा। मैं बोला नहीं करूंगा, मैं आपको प्रोमिस कर रहा हूँ। बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, प्रोमिस वो जो उसे याद नहीं चलता। बोला लिख के दो, लिख के स्टाम्प मार के पूरा दिया। फिर मैं वो ड्रोन लेके साथ में आया। बोला कहीं पे इसको हाइड करके रखना, मतलब उसको दिखाना नहीं किसी को। फिर गया, ये चेकिंग होने के बाद फिर गए हम कार्नेट पे स्टाम्प करवाने। कार्नेट पे स्टाम्प कराने गया तो बोला ये क्या है, ये येलो पेपर क्या है वो, मतलब कुछ नहीं समझते यार, दिमाग खराब हो गया। इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, ये इधर उधर ऐसा ऐसा करते 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 सुबह हो गया। तो फिर लास्ट में जैसे वो क्या किया, वो माना और बोला तुम पैसा डिपॉजिट करो 17,000 रुपया। 17,000 मतलब 17,000 होता है 17,000 सोम, मतलब यहाँ का जो उज्बेकिस्तान का करेंसी है 17,000 सोम, मतलब इंडिया का कितना होता होगा, वही 3,000, हाँ उसी उसी का होगा, पता नहीं कितना होगा, 2-3 4,000 के अंदर ही है वो, डिपॉजिट करो। मैं पूछा उसको क्या है ये, किस लिए, कहीं कोई बॉर्डर पे पैसा डिपॉजिट लगता नहीं है। तो फिर बोला नहीं ये करना पड़ेगा। वो तो समझता नहीं है कुछ, वाई बोलने से वो कुछ क्या, वो क्या कर 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 बोलता है हमको समझ में नहीं आता है। तो फिर वो डिपॉजिट मैंने किया। मैं बोला चलो यार छोड़ो, ये जो पैसा डिपॉजिट मांगता है उसको दे करके 17,000 सोम डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद मैं उसको, मतलब उसका भाषा से मैं समझ रहा था कि ये कुछ सर्विस टैक्स है। बोला चलो यार तुम जो टैक्स लेना है लो, टैक्स लेकर के स्टाम्प करवा के फिर वहां से हम लोग एग्जिट किए 7:30 बजे। तो कल सुबह 8 बजे मैं निकला था होटल से और 7:45 में मैं निकला बॉर्डर से। मतलब 24 घंटा पूरा मेरे को लगा अलमाटी से, फिर अलमाटी से फिर यहाँ पे येलामा बॉर्डर आकर के मैंने अभी जस्ट एंट्री करके अभी होटल लेके यहाँ बैठा हूँ। मतलब पूरा 26 घंटा पूरा बिल्कुल मेरे को थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट नहीं है। अभी मेरा आंख नहीं खुल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं एंटर करके बॉर्डर से, येलामा बॉर्डर से एंटर करके ताशकंद आया 60 किलोमीटर। मेरा आंख नहीं खुल रहा था, मेरे को बीच बीच में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरा। कभी कभी मैं ब्रेक करता था तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि आगे पीछे कौन कहाँ है, मैं कुछ मतलब समझ ही नहीं पा रहा था बिल्कुल। अभी आके होटल पहुंच के रेस्ट कर, मतलब रेस्ट नहीं, एंट्री करके अभी आधा घंटा हुआ है मैं बैठा हूँ। और ये ऐसा हाल था मेरा कल। तो ये जितना भी सारा था मैंने आपको समझा दिया, ये सिचुएशन कल मेरा गया। और बाकी का फिर आगे का मैं अपडेट आपको दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।